ये है वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव जिम ऑफ अवर सिटी, जो कि है बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। इस जिम में तुम्हें मिल जाएगी हर एक फैसिलिटी, चाहे फिर वो हो हैवी डंबल्स, हैवी प्लेट्स या फिर कुछ अलग ही टाइप की मशीन। पर क्यों ना इससे पहले हम देखें कि लोकल जिम में क्या मिलेगा। तो अब हम आ गए हैं नासिक के सबसे लोकल जिम में, और इस जिम की हालत देख के समझ में आ रहा है कि अंदर हमें क्या मिलने वाला है, बट लेट्स सी। और इस जिम में एंट्री करते ही हमें लाइट ने धोखा दे दिया, और उसके बाद हमें पता चला कि यहाँ पर शूज पहनना भी अलाउड नहीं है बिकॉज ऑफ मंदिर। पर देखते हैं कि क्या ये जिम उसकी इक्विपमेंट्स और अपने फैसिलिटीज से प्रॉफिटेबल है या नहीं। चलो सबसे पहले बाइसेप ट्राई करते हैं। डंबल कितने का पता नहीं, बट 5 kg, 7.5, 5, सबसे हेवी 10 kg, ये वाले 10 kg सच में 10 kg के ऊपर लग रहे हैं। और कुछ कुछ मशीन बहुत कूल है, बहुत अलग है, फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ मैं, तुम लोग को समझेगा यहाँ का कितना है, उस हिसाब से ये बहुत अच्छा है। कमाल समीर, समीर तेरे जिम में ऐसा था, यही तो खासियत होती है लोकल जिम की। ये भी शोल्डर का ही एक टाइप है, ये मशीन्स बहुत टफ है। कमाल मेरे अंदर शक्तिमान है। ऑनेस्टली बोला जाए तो जिम जितने पैसे है उसके वजह से बहुत अच्छा है, बहुत है। और मशीन्स बहुत ही अलग है। ट्राई करते हैं नेक्स्ट, आजा ट्राई से बाई से पहले दो मशीन है, लेट्स ट्राई। मशीन बहुत रॉ है, कंडीशन थोड़ी टाइट है, बट अच्छे है ना। बट एक बात है, यहाँ के मशीन्स का जो वेट है ना ज़्यादा लग रहे हैं, देखते वहाँ पर क्या फील होने वाला है। ओ भाई वेट तो है, ये वेट भी मेरे ख्याल से कितना होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, मतलब 25 ज़्यादा लग रहा है। यही वेट समझ के मज़ा आ रहा होगा, भले मशीन्स बहुत ओल्ड है बट बहुत वेट अच्छा है। आगे एक और ट्राई करते हैं। और यहाँ के वेट बहुत रॉ है, बहुत रॉ। ये मेरे ख्याल से 5 kg है, 5 kg है, अलग 5 kg दोनों। अभी यहाँ का जो लॉक सिस्टम है ना, बहुत पुराने वाले लॉकिंग सिस्टम है ये, आजकल लॉक वैसा ही है। समीर कमान, समीर सिर्फ 5 kg है बट आई एम गारंटीड कि बहुत हैवी होगा, ऐसे ही हैवी वेट मारते रहना है। इस जिम में तो हमको हैवी वेट मिल रहा है, उस जिम में भी पक्का मिलने वाला है, बट घड़ी तोड़ता है। आज ही मैंने शोल्डर वर्कआउट किया है, पता नहीं क्यों कर रहा हूँ मैं, बट 5 kg का तो वेट लगता नहीं पक्का ही है। ठीक है, ओके। अब इस जिम में एक चीज़ हमको मिली है जो हम लोग को गारंटी है उस जिम में नहीं मिलने वाली है, तो ओल्ड और पारंपरिक, मुझे नहीं पता इसको कैसे मारते हैं, ये फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ मैं, क्योंकि ये कहीं नहीं मिलेगा। जी हाँ, धन्यवाद। अभी हम लोग जाते हैं सेकेंड जिम में, बट उससे पहले यहाँ का प्राइस कितना है तुम लोग को मैंने बोला था इमेजिन करने के लिए, तो यहाँ का प्राइस है 150 रुपया। इस जिम का फीस है 150 रुपया। क्या मिलता है, इतना सस्ता मिल रहा है तुम लोगों को। सेकेंड जिम में मिलते हैं। अब हम आ गए हैं वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव और सबसे अच्छा वाला जिम हमारे सिटी का, आयन स्पोर्ट। अब देखते हैं अंदर कैसा होगा, चलो चल अंदर। तो आयन स्पोर्ट्स क्लब है ऑलमोस्ट 3000+ स्क्वायर फीट का, और यहाँ का जो सराउंडिंग है ये कम्प्लीटली नेचुरल लाइट से भरा हुआ है, और यहाँ पर तुम्हें डंबल से लेके प्लेट्स हर साइज के मिल जाएंगे, और यहाँ का लॉकर रूम बहुत ही सेफ और सिक्योर्ड है। साथ ही साथ तुम्हें अंदर चेंजिंग रूम, बाथ सिस्टम भी मिल जाएगा, और ऊपर एक और फ्लोर है जिसको हम बाद में देखेंगे। और लास्ट जिम में तुमने वेट देखा है कितना कम था, और यहाँ का वेट बहुत ज़्यादा है, इतना ज़्यादा कि दोनों अच्छे भी नहीं उठेगा। 150 pounds है, मतलब 75 kg। ये एक नंबर का आशिक देखो। अरे जिम मारने आए कि तू जिम मारने आए। जो फ्लाई की मशीन है वो भी बहुत मस्त है, कंफर्टेबल है, जो लास्ट जिम थी उससे तो बहुत अच्छी है। और साथ में और भी आओ, ये वन ऑफ द बेस्ट मशीन, लेग रेस, जिसको ऐसे बैठ के मारते हैं, और अरे उल्टा होके मारते हैं, जिम में ना कटेगा तू ऐसे मारते हैं। हाँ ये नाम खराब करेगा मेरा। वेल जोक्स अपार्ट, बट इनका जो चेस्ट मशीन, हिप मशीन, साथ ही साथ इनके जो वेट्स और पंचिंग बैग्स, उसके साथ में जो कराटे पैड्स है, ये सभी बहुत अच्छे क्वालिटी के थे। पर एक हमको ड्रॉबैक मिला है, जो मशीन है ना वो सब पुराना वाला जैसे पर हमें पता चला कि ये सारे मशीन एक मंथ के अंदर चेंज होने वाले हैं, तो इसलिए हम आ गए हमारे फर्स्ट कैलिस्थेनिक्स वर्कआउट पे। चलो अभी रियल मारते, लेट्स गो।
2, 3 अभी ट्राई करते हैं वेट बढ़ाने का, ठीक है? 70 करे, 70 मतलब 35 kg। लेट्स गो। मैंने मैक्स मारा है 30, ये 35 है। मारूंगा इसकी तो। ये थोड़ा सा हेवी है। हेवी मारना ना इम्पोर्टेंट है। सो व्हाई? बिकॉज़ इट वी आर शक्तिमान। लेट्स गो। एंड फाइनली आई डिड डेडलिफ्ट, जिसके वजह से 6 months बैक आई हैड अ सीवियर स्लिप डिस्क एंड फाइनली आई कॉन्कर्ड इट। इसके बाद हम ट्राई करेंगे हमारा प्यारा रोप वाला। कमान समीर। ये तो मैं बालवाड़ी में करता था, अभी मैं करता हूँ। नागिन से बेली निकाली, कमान। नेक्स्ट शॉट। सो दिस वॉज द ग्राउंड फ्लोर, जहाँ पर पूरा वर्कआउट करके अब टाइम आ गया था टू गो ऑन द सेकेंड फ्लोर, जहाँ पर हमें मिलेगा पूरा ट्रेडमिल का सेक्शन। और इसी के साथ इस जिम की फीस है 18,000 रुपीज फॉर अ ईयर। तो थोड़े मजे देख लो, फिर मिलते हैं। और इसी के साथ ये यहाँ का था सेक्शन, वापिस हम लोग नीचे जाते हैं। ओके, ऐसे ही बने रहो, तुम लोग को बहुत मजा तेरी। तो इसी के साथ तुम देख सकते हो कि एक एक्सपेंसिव जिम और एक बहुत गरीब सी जिम, जो अच्छी लोकल जिम होती है, उनमें क्या फ़र्क होता है। दोनों का अच्छा अच्छा पॉइंट है, दोनों का बुरा बुरा पॉइंट भी है, पर ऐसे ही मिलते रहेंगे। कुछ कहना है मेरे दोस्त? कौन सा भी जिम जाओ तुम लोग, बट डिसिप्लिन के साथ ही जिम वर्कआउट करो, ये सबसे बड़ी चीज़ है। इसी के साथ वी विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। टिल द टाइम, लव अप, पीस अप। इसका नाम मुझे पता नहीं है क्योंकि मैं इतना जिम करता नहीं हूँ। इसका नाम क्या है? झुमरी तलैया। हाँ, झुमरी तलैया ये।